नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 वर्सेस Realme 7 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.31 इंच जबकि Realme 7 में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 में 2.93 इंच जबकि Realme 7 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 में 0.33 इंच जबकि Realme 7 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम्स जबकि Realme 7 में 196.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 में Super AMOLED जबकि Realme 7 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.43 इंचेस जबकि Realme 7 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 में 83.53% जबकि Realme 7 में 83.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme 7 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 7 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 7 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme 7 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 9 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 में Adreno 612 जबकि Realme 7 में Mali G76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 में Qualcomm Snapdragon 678 और Realme 7 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 10 में 4GB जबकि Realme 7 में 6GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 में अप टू 512GB जबकि Realme 7 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 10 में Android V11 जबकि Realme 7 में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 में 3 कलर्स जबकि Realme 7 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 की 12,499 रुपीस जबकि Realme 7 की 14,999 रुपीस प्राइस है, जो कि Redmi Note 10 से ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Xiaomi Redmi Note 10 में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 7 की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 आगे है, मेन कैमरा में Realme 7 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में Realme 7 आगे है, परफॉर्मेंस में Realme 7 आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M12 है जो कि 14,390 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।